नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रामगढ़ सीट, यहां पर चुनाव में मंगलवार को कांग्रेसी खेमे के अंदर उत्साह नजर आया, जोश नजर आया, खुशी की खबर आई। दरअसल मंगलवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह ने एक ऐसी चाल चली कि विरोधियों को अपनी राह अब मुश्किल नजर आने लगी है। क्या है वो खास रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ सीट पर 28 जनवरी को मतदान होना है, 26 जनवरी को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में जीत का शतक लगाने के लिए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की रैली 25 जनवरी को रामगढ़ में तय की गई। गहलोत और पायलट के रामगढ़ पहुंचने से पहले चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के साथ मौके पर कमान संभाली। कांग्रेस के रणनीतिकार जितेंद्र भी उनके साथ थे। सभी नेताओं ने मिलकर ऐसी कामयाबी हासिल की है कि अब विरोधियों को अपनी राह कठिन नजर आने लगी है। दरअसल रामगढ़ में दिवंगत बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के परिजनों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लक्ष्मण सिंह के परिजनों के कांग्रेस में आते ही कांग्रेस खेमे में जोश और उत्साह का संचार हुआ है। वहीं गहलोत पायलट की रैली से पहले कांग्रेस का पलड़ा अब भारी होता नजर आ रहा है। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी पूरी तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। यहाँ मोर्चा संभाल रखा है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने, जो कल से यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। रघु जी, एक चुनाव बचा था कारणवश प्रत्याशी की निधन के कारण, फिर से ये चुनाव अब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को भी ठीक वैसे ही ले रही है जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। देखो, हर चुनाव को गंभीरता से ही लेना चाहिए, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उपचुनाव हो। पार्टी ने हर चुनाव को गंभीरता से लिया और ये चुनाव भी पार्टी गंभीरता पूर्वक लड़ रही है। एक और सवाल रघु जी, जो बसपा के जो पहले प्रत्याशी थे, क्या उनके परिजन अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? उनको भी मालूम है कि हमारा भविष्य कहाँ है सुरक्षित, ये पब्लिक भी जानती है। आप देखिए, जिस प्रत्याशी का निधन हो गया जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ, वो परिवार कांग्रेस में आ रहे हैं, इसका मायना क्या है कि रामगढ़ की जनता समझती है कि हमारा वोट कांग्रेस में जाएगा तो 5 साल हमारी सुधबुद ली जाएगी, विकास होगा इलाके का, और दूसरी जगह अगर हम वोट करते हैं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए जो नकारात्मक राजनीति विपक्ष करना चाहता है यहाँ, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। एक तरफ जहां बसपा के दिवंगत प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के परिजनों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, तो कांग्रेसी खेमे के लिए ये दूसरी खुशी थी कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। सीपीआई के सचिव जगदीश शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्माद फैलाने वाली बीजेपी चुनाव नहीं जीते, इसलिए कांग्रेस को समर्थन दिया है। पिछले 4 सालों से, 4.5 सालों से एक विचारधारा जो ये स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमेशा दूसरे विचारों को गला घोटने के लिए तत्पर रहते हैं। बहरोड़ हाईवे पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं, और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वो जो वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ सीपीआई लगातार संघर्षशील है। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में, अलवर में और रामगढ़ में वह विचारधारा पराजित हो, आरएसएस बीजेपी पराजित हो, और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली ताकत कांग्रेस पार्टी हो, तो वर्तमान में तो वही वहां पर विजयी होने वाली है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, भंवर जितेंद्र सिंह और वैभव गहलोत ने कूटनीतिक चाल चलकर दोहरी सफलता अर्जित करते हुए जीत का शतक लगाने की कांग्रेस की राह आसान कर दी है। अब 25 जनवरी को गहलोत और पायलट की रैली जीत की इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।